who had a right relationship with the Lord, जो सही रिश्ते में है प्रभु के साथ, who have confessed their sins, जिन्होंने प्रभु के और अपना पाप का क्षमा, and a right relationship with people also around them, और सही रिश्ते में है लोगों के लिए भी, and we all those who are baptized in water after repentance, और हर एक व्यक्ति जो पानी का उपदेश लिए पश्चाताप करने के बाद, there is no compulsion in breaking bread. We can if you are not right in your life, we can always wait for the next time. और कोई भी यहाँ पे जबरदस्ती नहीं है. अगर तुम प्रभु में अपने जीवन में सही नहीं हो, तुम हमेशा रुक सकते हो. We encourage people to come forward and break bread so that we may remember the Lord's death and we humble ourselves, cleanse our conscience, and then have wonderful fellowship with one another. हम प्रोत्साहित करते हैं लोगों को रोटी तोड़ने के लिए, क्योंकि अपने आप को नम्र करें, अपने पाप से क्षमा मांगे और एक अच्छा विवेक रखे. Let us pray. प्रार्थना करते. Father, we thank you that you brought us to Jesus and you have sent your son Jesus to give us eternal life. Thank you, Lord, for making us a child of God. Thank you for the body of Christ. Lord, we thank you, Lord, we can love you and love one another. प्रभु धन्यवाद देता कि हम उनसे प्रेम रख सकते हैं और दूसरे से प्रेम रख सकते हैं. थैंक यू लॉर्ड, यू हैव क्लेंस्ड आवर लाइफ्स फ्रॉम ऑल सिन. धन्यवाद पिता, तूने हर एक पाप से हमें क्षमा किया है. गिव अस अ क्लीन कॉन्शियंस, हमें एक साफ विवेक दिया है. फिल अस विद द होली स्पिरिट लॉर्ड, वी प्रे. अपने पवित्र आत्मा से भर प्रार्थना करते हैं. वी कैन पॉइंट आउट थिंग्स दैट आर रॉन्ग इन आवर ओन लाइफ, ताकि अब तू हमें बता सके हर एक जीवन का जो गलत है. वी वांट टू हेट सिन, हमें पाप से नफरत करना है. एंड लव द राइट थिंग्स लॉर्ड, और हर सही चीजों से प्रेम रखना है. थैंक यू लॉर्ड, यू विल डू दिस बाय द पावर ऑफ योर होली स्पिरिट. धन्यवाद प्रभु, तू हमें जीवन में कार्य करेगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा. थैंक यू लॉर्ड अगेन इन जीसस नेम. धन्यवाद पिता, वापस से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन.